फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। तो भारत की स्वतंत्रता में जिन आंदोलनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस टॉपिक के तहत पूरा एनालिसिस करेंगे। इस टॉपिक को क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो नील उपद्रव हुआ, सी ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में होता है, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 बीच में, संथाल विद्रोह 1855-56 में और पाबना उपद्रव 1873-76 में। नील विद्रोह की शुरुआत जो है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से होता है। एक नील उत्पादक के दो भूत पूर्व कर्मचारी थे, जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इनके नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट होकर उन्होंने नील की खेती जो है बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की एक सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए विवश करते थे, मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने पर किसानों को जो है नील बागान मालिकों के दमन चक्र का कह सकते हैं कि सामना करना पड़ता था, उनके उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता था। 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील नहीं उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन जो है नदिया पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपना समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण में किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन सेम नंबर है, सेम क्वेश्चन है दो नंबर में। नील कृषकों की जो दुर्दशा है, इन पर लिखी गई एक पुस्तक है नील दर्पण, इसके लेखक कौन है? तो है दीनबंधु, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर तीन भी सेम है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु है। और क्वेश्चन नंबर चार है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बताइए, वंदे मातरम जो लिखे हैं वो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर पांच है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पे आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पे, आपका बी ऑप्शन सही है। वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अपने उपन्यास में आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का इन्होंने उल्लेख किया है। बंगाल में अंग्रेजी राज के स्थापित होने से तथा उसके कारण नई अर्थव्यवस्था के स्थापित होने से जमींदार, कृषक, शिल्पी सभी नष्ट हो गए। 1770 में भीषण अकाल पड़ा, उससे तथा कंपनी के पदाधिकारियों की कठोरता को लोगों ने विदेशी राज की ही देन समझा। तीर्थ स्थानों पर आने जाने के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग क्षुब्ध हो गए, कहने का मतलब गुस्सा हो गए, ये लोग ज्यादा उत्तेजित हो गए। सन्यासियों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी और उन्होंने जनता से मिलकर कंपनी की कोठियां और लोगों पर आक्रमण किए। वे लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े। वॉरेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के पश्चात ही इस विद्रोह को दबा पाने में सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर सिक्स से, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? वो है आपका सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर सेवन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पे? तो सन्यासी विद्रोह पे। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं,
मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के जो बरहिया ताल विरोध था, इसका उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, मतलब कहां था? तो पटना था, बी ऑप्शन सही है। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती वहावी आंदोलन से मिला। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह अलीउल्लाह का था। सैयद अहमद की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद के प्रयत्नों से इन आंदोलनों की विचारधारा शीघ्र ही काबुल पर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदिओं में फैल गया। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए। अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में वे मारे गए। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहम अब्दुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी, बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं जो है स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में वहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह, इसका सी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं, देखिए कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनैतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः कह सकते सियान साहब के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। इसका उद्देश्य है सिख धर्म में प्रबलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना। 1872 में इस आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी जो है 1885 में मृत्यु हो गई। 11 नंबर क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किन लोगों का? तो ये गारो का था, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी जो है टिनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि वह मतलब कि इतना शक्तिशाली हुआ कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति की। क्वेश्चन नंबर 12 है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए, तो करम शाह ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो इसमें जो फराजी विद्रोह का जो नेता थे वो है दादू मियां, आपका बी ऑप्शन सही है। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्ला के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14, फराजी कौन थे? तो फराजी एक जो थे वो हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी थे, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, केरल में किया था, ये ऑप्शन सही है। 1805 में वेलेजली ने ट्रावणकोर यानी केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि शर्तों को जो है
मतलब कि मानने से इनकार कर दिया, यानी अप्रसन्न थे इन शर्तों से, मतलब और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी जो है कर देने में अनाकनी की। यह धन बकाया होता चला गया, उनपे जो है ऋण का बोझ बढ़ता गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दृष्टापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया था। याद रखिएगा, नायर बटालियन उनका समर्थन दिए थे, और अंग्रेजों के एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह के दमन के मतलब जो अंग्रेजों की सेना थी, इसे इसे दमन करने के लिए बहुत बड़ी सेना जो है भेजी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोशी कृषक जत्था जिसने स्थापित किया था, उनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। सी ऑप्शन सही है। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के, इनका समय है 1845 से 83, बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करने कर मतलब करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना इन्होंने ही किया था। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई थी। 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किन भौगोलिक इलाकों में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। डी ऑप्शन सही है, और इसके बारे में दो चार लाइन है देख लेते हैं। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 और 26 ईस्वी के बीच भयंकर अकाल और अनाभाव के कारण इन्होंने जो है उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो था कोल्हापुर। बी ऑप्शन सही है। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना से उन्होंने सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारी की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी उनका नाम क्या था? तो खुंद थे। बी ऑप्शन सही है। खो जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ियों में रह रहे थे। पहाड़ी क्षेत्र मतलब कि जो इनका रहने का जो क्षेत्र था, रहने का जो जगह था, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तु क्या थे? स्वतंत्र थे। 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर्ता जो थे युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने जो है किया था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई। इस विद्रोह के मुख्य कारण जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास था। अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, और 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गए, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोला विद्रोह जो कोल विद्रोह है 1831 से 32 के बीच में होता है, इनका नेतृत्व किसने किया था? तो बुधु भगत। ये ऑप्शन आपका सही है, और इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू या बुधो भगत एवं गंगा नारायण ने किया था। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा और अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, वघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था? तो वघेरा जो विद्रोह हुआ था वो था बड़ौदा में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। देखिए, वघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। वगैरह विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया, और 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण हुए।
यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास जो है समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत 1800 कहने का मतलब ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार आपको रखने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, देखिए ए ऑप्शन सही है, यानी पहला आपका आ गया बंगाल का सिपाही विद्रोह, इसके बाद बेलोर का सिपाही विद्रोह, इसके बाद कच्छ का विद्रोह, फिर आपका कोल और संताल विद्रोह। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही है। और इनका समय देख लेते हैं, देखिए 1857 के पूर्व जो विद्रोह का क्रम है वो इस प्रकार है। जैसे पहला है बंगाल का सिपाही विद्रोह, जिसे हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जो है जा मिली थी, और इसका समय 1764 ईस्वी। वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में, और कच्छ का विद्रोह 1819 और 31 के बीच में, कोल विद्रोह जो है आपका 1831 से 32, और संथाल विद्रोह का जो समय है वो 1855 से 56 के बीच है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में दो चार लाइन देख लेते हैं। देखिए राजा राजा कहलाने वाले छोटे सरदारों द्वारा शासित छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया। पराहाट के राजा ने सी भूमि पर अंग्रेजों के कब्जे का जो है कड़ा विरोध किया, और यह विद्रोह 1820 में प्रारंभ होकर 1836 ईस्वी तक चलता रहा। जो रांची सी भूमि, हजारीबाग, पलामू, मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गया था। हजारों आदिवासियों को कत्ल करने के बाद ही ब्रिटिश शासन द्वारा फिर यहाँ पे जो है सत्तासीन हो सका, यानी ब्रिटिश शासन इन लोगों को कुचलने में जो है कुचलने के बाद, यानी कि इनकी अस्तित्व खत्म करने के बाद इनकी बहुत ज्यादा संख्या में कत्लेआम हुआ, फिर इन्होंने अंग्रेजों लोगों ने अपना यहाँ पे जो है सत्ता जो है स्थापित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू और भैरव चांद, यानी आपका ए और बी दोनों सही है। देखिए 1855 56 का संथाल विद्रोह जो है एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह है, जिसमें भूतपूर्व आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। तत्कालीन बिहार और उड़ीसा के सिंहभूमि, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर के जिलों में यह विद्रोह जो है आर्थिक कारणों से मतलब हुआ। साहूकारों और औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दिकुओं यानी बाहरी लोग जो थे, इनको दिकुओं कहा जाता था, दिकु कहा जाता था, जो बाहरी लोग थे, और व्यापारियों ने संथालों द्वारा किए गए ऋणों पे सॉरी मतलब इनके द्वारा संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पे 50 से लेकर 500% ब्याज जो है वसूल करते थे, और किया कई अन्य तरीकों से भी जो है आदिवासियों का शोषण इन्होंने किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कानू चांद और भैरव नामक चार भाई थे, जिन्होंने घोषणा की कि ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि आजादी के लिए अब हथियार उठा लो। सिद्धू ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह जो देश है सबों का नहीं है, सॉरी साहबों का नहीं है, मतलब कि जो उच्च लोग हैं इनका नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप जो है साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 तक जारी रहा, और अंत विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सेम क्वेश्चन है, सिद्धू और कानू लोगों ने। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। सी ऑप्शन आपका सही है। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनी डी तालुक में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए, जिसका नेतृत्व सिद्धू कानू चांद और भैरव नामक चार भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया, और भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायर ने निर्दय पूर्वक कह सकते हैं, या क्रूरता पूर्वक कह सकते हैं, संथाल विद्रोह का दमन किया था।
27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है महाराष्ट्र में घटित हुई, वो घटना है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है ये भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1812 से 19 ईस्वी तक, यानी 1812 से 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अपने कम मतलब कि जो इनके स्वामी थे, इनके कंपनियों के अधिकारियों को अधिकारियों का जो कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय भी इस विद्रोह का कारण था। 1885 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचलने में जो है सफल हुई। जो कोल विद्रोह है, मतलब कोल विद्रोह ये जिन क्षेत्रों से संबंधित है वो है रांची, सी भूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्र। रंपा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश के मतलब गोदावरी जिले मतलब गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित जो है रंपा पहाड़ी क्षेत्र में फैला हुआ, और ये आदिवासियों का विद्रोह जो है साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। संथाल जो विद्रोह है ये 1855-56 में हुआ था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच क्षेत्रों में केंद्रित था। और नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने। बी ऑप्शन सही है। देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत और गोविंद गुरु नामक जो है समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजातियों में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, इन्होंने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की जो है स्थापना की। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 से मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, बताइए कब? तो 1895 में। डी ऑप्शन सही है। मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह है ये 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जातियों में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों और बनिया सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर जो है हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो 1895 जो है उत्तर में दिया गया, इसलिए डी आपका सही उत्तर होगा। 1895 में बिरसा ने अपने आप को जो है भगवान का दूत घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो देखिए सेम क्वेश्चन है, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन सही है। देखिए मुंडा विद्रोह के नेता जो थे, नेतृत्वकर्ता जो थे, ये थे बिरसा मुंडा के बिरसा मुंडा। इनको उलगुलन और इनके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जो है जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुटकटी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। कालांतर में बिरसा ने इन्हें जो है इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप दे दिया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को जो है भगवान का दूत घोषित किया। हजारों मुंडाओं का नेता ये बन गया। उसने कहा कि दिक्कुओं यानी गैर आदिवासी जो थे, हमारी लड़ाई होगी, इनसे हमारी लड़ाई होगी, यानी दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी, और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने जो है मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6,000 मुंडा तीर तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा फरवरी 1900 के शुरू में जो है गिरफ्तार कर लिए गए और जून 1900 में वह जेल में मर गए। विद्रोह का जो है दमन कर दिया गया और जो बिरसा है इस तरह से अमर हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं, 31 नंबर है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो सेम क्वेश्चन है, बिरसा थे, ए ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है,
जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह थे, कौन थे? तो बिरसा मुंडा। डी ऑप्शन सही है। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो है 1899 से 1920 के बीच, 1900 के ईस्वी के बीच जो है हुआ है, और उनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा का जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 1874 ईस्वी में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। उसने कहा भगवान ने उसे गजब की ताकत दी है। बिरसा नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन जल्द ही जो है राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। फरवरी 1900 में जो है बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये मतलब जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। विद्रोह जो है भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुओं यानी आदिवासियों का शोषण करने वाले जो बाहरी लोग थे, इन्हें दिकु कहा जाता था, इनके विरुद्ध हुआ था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो देखिए बी ऑप्शन सही है इसमें, रांची है। और नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में दो चार लाइन है, पहले देख लेते हैं, फिर 35 नंबर क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करेंगे। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जो था वो था जनजातियों में समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगा को जो है बोंगा को पूजा किया, मतलब पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा को जो है पूजा करने का आह्वान किया। तो बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को कहा कि छोड़ दो, अपने अनुयायियों से कहा कि एक ईश्वर जिन्हें उन्हें सिंह मतलब सिंह बोंगा कहा जाता था, इनकी पूजा करने के लिए ये आह्वान किए। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैन्य शक्ति का जो है प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो ठक्कर बाबा ने। बी ऑप्शन सही है, ठक्कर बाबा ने जनजातियों लोगों के संबंध में जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। हरिजन सेवक संघ के महासचिव ये थे और 1934 के दौरान जो है इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी जो है व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। डी ऑप्शन सही है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ए बी और सी जो स्टेटमेंट दिया गया है, दिए गए जो कारण है वो जनजातीय विद्रोह के कारण थे, लेकिन इनका मुख्य जो साझा कारण था विकल्प डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका उपयुक्त होगा। 37 है, हौज विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो 1820-21 ईस्वी में, यानी 1820 से 21 के बीच हुआ था। और ये मतलब कि केंद्र जो था इस विद्रोह का बिहार का संथाल परगना था। तो याद रखिएगा इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, बिहार का संथाल परगना जो है इस विद्रोह का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1874 में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। 39 नंबर है, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सुरेंद्र साई थे। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहां ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया। 40 नंबर क्वेश्चन है, घटनाओं पर आपको विचार करना है, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले आएगा संथाल विद्रोह, फिर आपका आएगा सिपाही विद्रोह, इसके बाद नील, इसके बाद दक्कन दंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे देख सकते हैं, संथाल विद्रोह जो है 1856 में, सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 1860 और दक्कन दंगे जो है ये 1875 में हुआ था। 41 में जो है आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ।
तो मोपला विद्रोह जो है केरल से संबंधित है, पाबना विद्रोह बंगाल से, एक का जो आंदोलन है अवध में, और बिरसा मुंडा विद्रोह जो है बिहार में हुआ। उस समय बिहार जो था मतलब झारखंड और बिहार एक थे, तो बिहार ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। और 42 नंबर है, 1921 का मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ। यहां पर काश्तकार अधिकतर जो है बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर जो थे हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। 43 नंबर क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहां पर हुआ था? तो सेम क्वेश्चन है आपका, बी ऑप्शन सही है, मालाबार। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहां पर हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। और दक्षिणी मालाबार यानी केरल के मुसलमान पट्टेदारों तथा खेतीहरों यानी जो थे बेरू बेरुम पट्ट मतलब पटमदार थे, नाम देख लीजिएगा, और इनको जो है मोपला कहते थे। यहां जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियां नमुंद्री तथा नायर जातियों से थे। 1921 में मोपला विद्रोह के दो कारण थे, पहला जमींदारों का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार के खिलाफत जो है विद्रोही नीतियां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 45, इसमें भी आपको मिलान करना है। बैरकपुर जो विद्रोह है इसका संबंध है 1824, बरहमपुर जो विद्रोह हुआ था वो फरवरी 1857, संथाल विद्रोह 1855-56, और बेलोर विद्रोह जो है आपका जुलाई 1806 में हुआ था। इस तरह से आपका 45 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है सी और डी, यानी कुका विद्रोह जो है आपका सही है और मोपला विद्रोह जो है सही है। यानी मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कुका विद्रोह जो है पंजाब में हुआ था, लेकिन कोली विद्रोह जो है गुजरात में नहीं हुआ था। मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। आरंभ में यह विद्रोह जो है अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कुका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप जो था वो धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जो है जाना जाता था। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जो है जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 में इन्हें गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया। कोली विद्रोह 1784 से 1785 के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह 1768 में किया गया था। मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल जो है, ये मिदनापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमि कर जो है भूमि राज जो कर होता था, और अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 47 में पूछा गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति जो है प्रारंभ की गई थी, बताइए, तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। तो ए ऑप्शन सही है। देखिए भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश क्षेत्र में निवास करती थी। 1812 से 19 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैले हुए थे, और इसके अतिरिक्त 19वीं 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो है ताना भगत जो है नायक दिया गया, यानी डी ऑप्शन सही नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, आपका ऑप्शन डी होगा। देखिए मुंडा विद्रोह जो है ये मतलब कि कह सकते हैं 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, रांची के दक्षिणी क्षेत्र में। इस विद्रोह का जो नेता थे बिरसा मुंडा थे। संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच में आरंभ होता है, और इस विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू कानू थे। अहम विद्रोह 1828 में प्रारंभ होता है, और इसका नेता जो है गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था, और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है जत्रा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत आदि थे। नेक्स्ट में है 49 नंबर क्वेश्चन की ताना भगत आंदोलन जत्रा उरांव ने किस वर्ष जो है प्रारंभ किया था? तो ताना भगत आंदोलन जो है जत्रा उरांव ने
मतलब कि इसमें जो है 1914, सी ऑप्शन आपका सही है, जो 1914 के समय में जो है ये आरंभ हुआ था, 1914 ईस्वी में, तो सी ऑप्शन याद रखना है। 80 नंबर में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो देखिए कुकी विद्रोह जो है वो है त्रिपुरा से संबंधित है, कुका जो है पंजाब से, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ऊपर में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। पावना विद्रोह जो है ये बताइए कहां पर होता है, तो ये पावना विद्रोह जो है बंगाल में, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। इस तरह से जो है आपका 50 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 51 नंबर, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, तो वो थे जोड़ानांग। जोड़ानांग जो थे ये महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, तो बी ऑप्शन सही है। इनके बारे में दो लाइन है, देख लेते हैं। महात्मा गांधी और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग या जोड़ानांग थे। वे मणिपुर के नागा जाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गोडिनेल्यू सहित अपने विश्वासपात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में वे शामिल हो गए। इस तरह से बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया गया है, जिन लोगों को कुछ कह सकते हैं जनरली मतलब कि बात करने थे, कुछ लोगों ने मुझसे नंबर भी मांगा था, तो अगर आप लोगों को मुझसे बात करना है या कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके जो सवाल होंगे, जो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा। तो थैंक यू, आप चाहें तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।